इधर देखो विधान परिषद का जो हेड है, द प्रोसीडिंग ऑफ द विधान परिषद आर कंडक्टेड एंड कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन, मतलब हेड कौन हुआ, चेयरमैन हुआ, और इधर कौन रहेगा, विधान परिषद का हो गया, विधानसभा का है, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा कैरेड आउट द सुपर, इसका क्या नेक्स्ट स्पीकर है, समझ गया क्या? यस, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस, तो विधानसभा का कौन है, स्पीकर, और इधर चेयरमैन है। अब नेक्स्ट वाला है फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दिए हुआ है गवर्नर के फंक्शन दिए हुए इधर, और इनोग्रेट द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द विधानसभा लेजिस्लेटर असेंबली। ओके, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट फेडरल सिस्टम, क्योंकि स्टेट एंड सेंट्रल, ये आंसर बस इतना है, स्टेट तुम्हारे को मालूम नहीं पड़ेगा, मेरे को मार्क करके देना पड़ेगा फेडरल का। अच्छा फेडरल का मीनिंग लिख लो सबसे पहले, इधर नीचे ही लिखो आंसर, जगह है ना अंकिता? यस, आप बुक में लिख डालो, और बाकी के जो है ना एक सेपरेट नोटबुक में लिख डालो, लगा दो सेपरेट नोटबुक में या कोई भी रफली लिख डालो। व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम, पहला वाला पॉइंट लिखो, द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम, द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम इज दैट ईच लेवल हैज इट्स ओन, हैज इट्स ओन पावर टू टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन देके, हाइफन बोलते डैश रहता है स्मॉल, उसको हाइफन बोलते हैं, सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी मालूम है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ सोवर्जिनिटी। सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड वाला बोथ द गवर्नमेंट हैज द पावर, बोथ द गवर्नमेंट हैव लिखो, हैज मत लिखो, हैव द पावर, बोथ द गवर्नमेंट हैव द पावर टू टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, कॉमा देखे, द पावर हैज बीन रिटर्न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वाला पॉइंट, देयरफॉर कॉमा इंडिया अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, व्हाट आर द कंसिडरेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हाइल एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, वो स्किल वगैरह देखता है, ये पोर्टफोलियो के पॉइंट में मिल जाएगा तुम्हें। इसी के साथ ये लेसन भी खत्म हुआ, अभी कल हम हिस्ट्री का लेसन करेंगे। ओके ओके सर, और मुझे yeah.